ये आप पूरे एग्जैक्ट 10 बजे आपकी पंचिंग होना चाहिए, आप इतने बजे निकालिए। जिस तरह का माहौल सुरक्षा का है, जब आप स्वयं सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हो, आपको मालूम है इस वक्त ये एनवायरनमेंट इस प्रकार से है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि इन पर भी लाजमी लगा सकते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस। फिर आपके पास इनके अगर ये इन घरों से निकाले गए, अगर इनसे कहा गया कि भाई मकान खाली करो, तो जाएंगे कहाँ? रोड पर रहेंगे क्या? क्या वो सिक्योर रहेगा सर्दी के इस माहौल में? आपको ध्यान देने वाली बात है कि कश्मीर की विंटर्स बहुत हार्श होते हैं, इसलिए लंबे कपड़े हेरन जैसे पहना जाता है, जिसमें जो व्यक्ति जो टेररिस्ट होगा, जो हार्म करने वाला है, उसके लिए हथियार छुपाना कितना आसान रह जाता है। तो इन सारी बातों को हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने पार्टी की तरफ से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भाई इस तरह की मनमानी, ये इनसेंसिटिविटी, ये इनएफिशिएंसी नहीं चल सकती। आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और फिर आप इतने दिनों से इनकी सैलरी रोके हुए हैं। आप गहरा बता दीजिए, CSR भी कहता है कि अगर कोई सस्पेंड भी होता है, उनको भी सब्सटेंस अलाउंस प्रदान किया जाता है, इनके परिवारों को किस बात की सजा दी जा रही है? तो हमारा ये कहना है कि पार्टी इस विषय को लेकर चुप नहीं बैठने वाली है, इसको अगले स्टेज पर ले ली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जवाबदेही इसकी बनती है, उनको जवाब देना चाहिए। मैं प्रोसेस आपसे कहूँगा क्या करना है। माइक कर रहे हैं, जानकारी दी है, मैं समझता हूँ कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, और ये जो इनह्यूमन एटीट्यूड है एडमिनिस्ट्रेशन का, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, और ये पार्टी का मानना है कि ये जो नहीं चाहिए। अब मुलाजम कितनी देर से वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उनके परिवार जो है वो सफ़र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर बड़ी जानदारी से और ईमानदारी से इस पर काम करना चाहिए, और जो भी सफ़र है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको पूरी सुरक्षा देनी चाहिए, और उनके जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। अदरवाइज ये जो सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, उससे सारा माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है, और मुलाजम बिल्कुल सहमे हुए हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ये हादसे पेश हुए हैं, तो वो कैसे इनसिक्योर मतलब सिचुएशन में वहाँ काम कर सकते हैं? तो अगर मुलाजिम यहाँ है, उनको आप उनसे आप काम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे उनको डिप्लाई किया जा सकता है, यहाँ उनसे काम लिया जा सकता है, अदरवाइज वो कैसे वहाँ वो काम कर सकते हैं इतने डर और खौफ के माहौल में कैसे कोई इंसान? तो ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, इसे हल करना, क्योंकि कोई भी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसका सबसे पहला फ़र्ज़ है कि किसी भी अपने जो जो रेजिडेंट हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना, ये प्राथमिकता है मतलब किसी भी गवर्नमेंट को, उनको हल करना चाहिए।